नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले आप लोग लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं कि इस बंदे ने अपने चैनल पे सिर्फ 564 वीडियो अपलोड करके 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर इकट्ठा कर चुका है, और जो इसका चैनल भाई मोनोटाइज भी है, और इसके चैनल का आप लोग नाम देख सकते हैं फैक्ट स्टॉक करके है। और भाई इतना ज्यादा ये सब्सक्राइबर इसलिए इकट्ठा कर चुका है कि इसका जो कॉन्टेंट है बहुत ही ज्यादा यूनिक तरीके से है। भाई ये 2-3 वीडियो को डाउनलोड करके मर्ज करते हैं और फिर दोबारा अपना एक्टिविटी एड करके यूट्यूब पे पेस्ट करते हैं, और ऐसा नहीं कि की तरह का कंटेंट होता है भाई, अलग अलग कंटेंट है, मतलब यूनिक तरीके से बना दिए ये अपने चैनल पे भाई कंटेंट को, ठीक है। यहां देखिए मैं आप लोग को दिखा देता हूं, यहां देख सकते हैं 7 टाइप का है, यहां देखिए दूसरे टाइप का है, यहां पे देखिए ये फैक्ट टाइप का इस तरह से फल होल का है, और यहां देखिए ये दूसरे टाइप का है, यहां देखिए दूसरे टाइप का है, मतलब ये एक तरह का कंटेंट अपलोड नहीं करता, मतलब फैक्ट टाइप में बहुत ज्यादा कंटेंट देखने को मिल जाता है आप लोगों को। और जो इनका चैनल मोनेटाइज है मैं आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, यहां पे देखिए कमेंट वाले ऑप्शन पे मैं आ जाता हूं, आने के बाद नीचे राइट साइड में कॉर्नर पे जो है डॉलर का सिंबल ऑन है, मतलब दोस्तों का अर्निंग जो है इस वीडियो से भी हो रहा है। और मैं दूसरा वीडियो दिखा देता हूं, यहां देखिए इस वीडियो से भी हो रहा है, यहां देखिए डॉलर का सिंबल ऑन है, और डॉलर का सिंबल तभी ऑन होता है जब किसी का चैनल जो है वो मोनेटाइज होता है, तभी ऑन होता है। तो अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि इतना कुछ तो मैं बता रहा हूं, तो मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि आप लोग को वीडियो को कहां से डाउनलोड करना है, मतलब हर एक तरह का फैक्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा, मतलब जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर सभी के सभी वहीं से वीडियो को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके अपना एक्टिविटी ऐड करते हैं। तो सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं, बस आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं डायरेक्ट यहां पे कट कर देता हूं। अब कट करने बाद देखिए आप लोग को वीडियो को डाउनलोड कैसे करना है, तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोगों को एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है काउसाउ। अगर आप लोग भाई डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग इजी तरीके से मेरे टेलीग्राम के लिंक पे जाइएगा, ज्वाइनिंग करिएगा, और वहां पे आप लोग को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग को करना क्या है, सिंपल तरीके से ओपन करना है। अब ओपन करने बाद देखिए जो स्टार्टिंग का अलाउ है वो तो मांगेगा ही, प्रोसेस कुछ ज्यादा लंबा नहीं, बस अलाउ बस करना है। अलाउ करने बाद देखिए यहां पे चाइनीज टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, और यहां देखिए इस टाइप का, यहां देखिए इस टाइप का, यहां देखिए इस टाइप का, मतलब यहां पे अलग अलग टाइप का आप लोगों को वीडियो देखने के मिल जाएगा। मैं चैनल का नाम नहीं बता रहा हूं यहां पे कि इस चैनल पे लेना है, उस चैनल पे लेना है, आप लोगों को डेली यहां पे वीडियो देखने को मिलेगा और अलग अलग टाइप का देखने को मिलेगा। यहां देखिए दूसरे टाइप का, यहां देखिए, और सभी का सभी चाइनीज है, विदेशी चैनल है, ऐसा नहीं कि आपकी वीडियो पे कोई क्लेम आएगा इस टाइप का है, नहीं, ये वीडियो है, फिर दोबारा देख सकते हैं इस टाइप का वीडियो है, फिर इस टाइप का वीडियो है, फिर इस टाइप का है, फिर इस टाइप का है, मतलब अलग अलग यहां पे कंटेंट है। तो आप लोगों को डाउनलोड कैसे करना है मैं पहले ये बता देता हूं। तो देखिए सिंपल सी प्रोस, यहां पे आप लोगों को प्रोसेस पे क्लिक कर देना, मतलब वीडियो पे क्लिक कर देना है और स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने बाद यहां पे नीचे शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को इस पे क्लिक करना है। अब देखिए यहां पे क्लिक करते डाउनलोड का ऑप्शन तो दिखाई देगा, लेकिन यहां से डाउनलोड मत करिएगा। अगर यहां से डाउनलोड करेंगे तो इस चैनल का जो लोगो है, मतलब वाटरमार्क है, मतलब ऐप का जो यहां कॉर्नर पे आप लोगों को रेड टाइप में दिखाई दे रहा है, ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोगों को बिना लोगो वाला डाउनलोड करना है, तो सिंपल सा प्रोसेस कॉपी कर देना। अब कॉपी करने बाद डायरेक्ट आप लोगों को कट कर देना। अब कट करने बाद आप लोगों को पेस्ट भी करने की जरूरत नहीं, यहां पे एक स्केच सेवर करके ऐप आएगा, वो भी मैं अपने टेलीग्राम के लिंक पे डाल दूंगा, आप लोग वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रोसेस आप लोगों को पता चल जाएगा। अब देखिए आप लोगों को उस पे क्लिक कर देना, के सेवर वाले ऐप पे क्लिक करना, ऑटोमेटिक यहां पे पेस्ट हो जाएगा। अब गेट पे बस सिर्फ क्लिक कर देना। अब गेट पे क्लिक करते ही हल्का सा सर्चिंग लेगा, आपके नेट पे डिपेंड होता है कि कितना फास्ट आपका नेट जो है वो चल रहा है। अब देखिए यहां पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और ये आपके गैलरी में सेव भी हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, मतलब वहां पे आप लोगों को कॉपी करना और यहां पे डाउनलोड करना, पेस्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इस तरह से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना। यहां पे तो थोड़ा है जो टाइम लग रहा है मेरा, तो यहां पे देख सकते हैं 50% भी हो चुका है। तो आप लोगों को अब क्या करना है, डायरेक्ट कट कर देना, मतलब आप लोग डाउनलोड करके करिएगा, फिर उसके बाद आप लोगों को भाई एडिटिंग वाले ऐप की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आप लोग को काइन मास्टर के अंदर बताऊंगा, अगर कोई अदर ऐप यूज करता है तो उसमें भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस सेम वही है, थोड़ा सा जो तरीका होता है और जो थोड़ा सेटिंग होता है इधर उधर होता है, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को करना है कि अपने मोबाइल के अंदर काइन मास्टर को ओपन करना है। अब काइन मास्टर को ओपन करने बाद अगर आपका होम पे रहेगा तो इस टाइप का दिखाई देगा, लेकिन आप लोग को नीचे क्रिएट वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के ऊपर क्रिएट नहीं का एक ऑप्शन आएगा, अब आप लोग को इस पे क्लिक करना है। अब यहां पे रेशियो चॉइस करने के लिए आप लोगों से बोलेगा, तो यहां पे देखिए शॉर्ट वीडियो पे आप लोग को काम करना है, तो यहां पे 9:16 सेकंड नंबर पे जो रेशियो है उस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद ऑटोमेटिक नीचे आप लोग को क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना। अब दोस्तों वीडियो एडिटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मैं आप लोगों को यूनिक तरीके से बताने वाला हूं, इसलिए दोस्तों वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मीडिया के एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को मीडिया पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अभी आप लोग जो वीडियो डाउनलोड किए हैं उस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं 2 वीडियो डाउनलोड किया हूं, तो दोनों वीडियो को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ऐड करने आप लोगों को क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद सबसे पहले ये लास्ट पॉइंट पे लेकर जाएगा,
तो एक बार डिस्प्ले पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे प्ले कर देना। प्ले करते ही स्टार्टिंग पॉइंट पे ये आ जाएगा। अब वीडियो पे क्लिक कर देना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले दोनों वीडियो का जो साउंड है उसको म्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, राइट साइड में मिक्सर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को मिक्सर पे क्लिक करना है, इसको 100 कर देना है और इसको ऑन कर देना है। इससे दोस्तों इस वीडियो का जो साउंड है म्यूट हो जाएगा। अब सेम यही क्वालिटी आप लोग को भाई सेकंड नंबर पे करना है। सेकंड नंबर के वीडियो पे क्लिक करना है, मिक्सर पे जाना है, 100 इसको 0 कर देना है और इसको ऑन कर देना है, फिर बैक जाना है। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो वीडियो का फ्रेम है वो फुल रेशियो पे नहीं है, मतलब यहाँ पे साइड साइड से ब्लैक कलर का शैडो दिखाई दे रहा होगा, तो इसको आप लोग को थोड़ा जूम करना पड़ेगा। तो जूम करने के लिए आप लोग को क्या करना है, नीचे आना है और पैन एंड जूम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, फिर इक्वल पे क्लिक करना है। इक्वल पे जरूर आप लोग क्लिक करिएगा, उसके बाद इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ के इसको जूम कर देना है। जूम करने आप लोगों को बैक जाना है, फिर बैक जाना है और फिर फर्स्ट वाला जो लेयर है उस पर भी भाई आप लोग को क्लिक करना है और नीचे जाना है, पैन एंड जूम पे क्लिक करना है, इक्वल पे क्लिक करना है और इसको आप जो रेशियो है इसको भी आप लोगों को फुल कर देना है। अब फुल करने आप लोगों को क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है। अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को नीचे जाना है, फिल्टर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, फिल्टर पे क्लिक करना है, एक और फिल्टर कोई भी यहाँ पे यूज कर देना है। यहाँ पे ऐड करते ही आप लोग को ब्राइटनेस जो है वो बढ़ जाएगा, जिसको आप लोग को इस तरह से एडजस्ट करना है, मैक्सिमम 22 या 21 पे कर देना है। फिर बैक जाना है, बैक जाने के बाद फिर दूसरे वाला जो लेयर है जो वीडियो है उस पर क्लिक करना है, फिर नीचे जाना है फिल्टर पे, सेम वही प्रोसेस, आप लोगों को एक फिल्टर ऐड कर देना है, इसका भी जो है ये एडजस्ट कर देना है, 22 या 21 पे कर देना है। अब आप लोग को बैक जाना है, बैक जाने के बाद सबसे पहले स्टार्टिंग पे आना और लेयर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को लेयर पे क्लिक करना है, फिर टैक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी लिख देना है, जैसे शरारती बच्चे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शरारती बच्चे, यहाँ पे शरारती, ठीक है, शरारती बच्चे, यहाँ पे मैं बच्चे लिख देता हूँ। इतना लिखने के बाद आप लोगों को ओके कर देना। अब दोस्तों इसका क्या करना है, इस तरह से लेयर जो है थोड़ा बढ़ा देना है, बढ़ाने के बाद ऊपर इस तरह से ला देना है। अब इसका फॉन्ट आप लोग को चेंज करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसका कलर आप लोग को चेंज करना है, तो कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं ब्लैक कलर रख लेता हूँ, ठीक है, ब्लैक कलर मैं यहाँ पे चॉइस कर लेता हूँ। फिर दोबारा नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है, इसको ऑन कर देना है और इसको भी ऑन कर देना है, दोनों लेयर को ऑन करना है। फिर इसके बाद बॉक्स पे क्लिक करना है, ये 50 इसको 100 कर देना है। इससे दोस्तों जो है आपका जो कलर वो डार्क नहीं है, मतलब एकदम हाई डार्क हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग को येलो पे क्लिक करना और यहाँ पे क्लिक कर देना, मैं यहाँ पे येलो रखना चाहता हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है, बैक जाना है, बैक जाने के बाद सबसे पहले नीचे आना और फॉन्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को फॉन्ट पे क्लिक करना और एंड्रॉइड पे जाना, रोबोटो बोल्ड यहाँ पे ऐड कर देना है, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो जाएगा जो आपका टैक्स है, ठीक है। फिर उसका थोड़ा नीचे जाना है और ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोग को इस पर क्लिक करना और थोड़ा सा सेकंड नंबर का ये जो है इसको इस तरह से एडजस्ट करना, थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूँ, इस तरह से आप लोगों को एडजस्ट करना। फर्स्ट वाले लेयर पर इस तरह से करेंगे इधर जाएगा और नीचे वाले से करेंगे तो ऊपर नीचे जाएगा। अब इतना करने आप लोगों को बैक जाना है, बैक जाना, इसका जो लेयर है दोनों को इतना कर देना, जितना आपका वीडियो का लेंथ है इतना आप लोगों को कर देना है, ठीक है, इतना यहाँ पे थोड़ा और मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इतना आप लोगों को कर देना है। अब फिर दोबारा लेयर पे आप लोगों को क्लिक करना है, टैक्स पे जाना, अपने चैनल का नाम लिख दे, जैसे मेरे चैनल का नाम है सोनू पासवान, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, यहाँ पे सोनू पासवान, ठीक है, इतना लिख देना। लिखने के बाद आप लोगों को नीचे ला देना है और इस पर भाई कलर आप लोगों को नहीं चेंज करना है, इसका थोड़ा सा जो लाइट में दिखाई दे रहा है इसको डार्क कर देना है। डार्क करने के लिए आप लोगों को नीचे आना है, अल्फा क्लिक करना है, अल्फा का ऑप्शन होगा, ओपेसिटी लिखा होगा, उसके बाद इसको इस तरह से थोड़ा सा इसको माइनस कर देना है। माइनस करने पर यह थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, हल्का होने के बाद इसको आप लोगों को क्या करना है, इसका जो लेयर है इस तरह से आप लोगों को बढ़ा देना, फुल रेशियो पे बढ़ाना है जितना आपका वो वीडियो है, ठीक है, दोनों को बढ़ा देना। अब ये आपका 70% तक एक्टिविटी ऐड हो चुका है। अब आप लोग को यहाँ पे वॉइस ओवर देना पड़ेगा, तो वॉइस ओवर देने के लिए आप लोगों को REC का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को REC पे क्लिक करना है। हाँ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भाई वॉइस ओवर करते हुए डरते हैं या उनको वॉइस ओवर करना नहीं आता, सही तरीका नहीं पता है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि कभी भी वॉइस ओवर करिएगा तो एक दो बारी वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, इससे क्या होगा आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा और आप कहीं बीच में फंसेंगे नहीं। और दूसरा नंबर, आप लोग का जो माइक है मोबाइल का वहां पे आप लोग इस तरह करके और वॉइस ओवर करिएगा, तगड़े आवाज में करिएगा, तब आपका जो है वो बेस्ट तरीके से वीडियो यूनिक तरीके से बन पाएगा। तो यहां पे मैं आप लोग को एग्जांपल बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से पहले देख लीजिए, यहां पे देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरे तरह ही करिएगा, मतलब मेरे जैसा करिएगा लेकिन तगड़े आवाज में अपने हिसाब से करिएगा। तो यहां देखिए सबसे पहले दोस्तों, ये चाइनीज बच्चा इतना ज्यादा टैलेंटेड होता है कि अपने पापा के पैरों में कुछ इस तरह का गैजेट बांध देता है भाई, वो थी दौड़ ना पाए, और उसके बाद देखो इसका दिमाग कि भाई अपने पापा का मोबाइल छीन भी लेता है और उनको जगा भी देता है और लगता है भागने, तभी इसके पापा दौड़ाते हैं लेकिन वो गिर जाते हैं, उसको पा नहीं पाते और लड़का खुद सो जाता है। इस तरह से आप लोगों को पहले वॉइस ओवर कर देना है। वॉइस ओवर करने और आप लोगों को क्या करना, सबसे पहले वॉइस ओवर का जो साउंड उसको इंक्रीज करना, मतलब बढ़ाना है, तो उसके लिए आप लोगों को मिक्सर पे क्लिक करना, 100 इसको 200 कर देना और इसको ऑन कर देना, इससे जो दोस्तों आपका जो साउंड है वो बढ़ जाएगा। अब आप लोग को बैक
जाना है। बैक जाने के बाद सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है और फिर दोबारा बैक जाके एक बार प्ले करना है। प्ले करने के बाद देख सकते हैं अभी यहाँ से हमारा वॉइस ओवर होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से होना स्टार्ट हुआ है। तो जो फालतू का पार्ट है उसको आप लोगों को कट कर देना है। तो उसके लिए आप लोग को फिर वॉइस ओवर वाले पे क्लिक करना है, नीचे जाना और कैंची पे क्लिक करना, ट्रिम लैप कर देना है। इतना करना है आप लोगों को, इसको प्रेस करके स्टार्टिंग पॉइंट पे मिला देना है। अब लास्ट पॉइंट पे इसके जाना है और अभी आप लोग देख सकते हैं यहीं तक हमारा जो है वॉइस ओवर होना, मतलब यहाँ तक हमारा वीडियो का लेंथ है। इसको क्या करना है, नीचे जाना है, कैंची पे ट्रिम राइट कर देना है। अब ये इक्वल हो चुका है। अब फिर दोबारा आप लोग का जो दूसरा वाला लेयर है उस पर क्लिक करना है, ठीक है, दूसरा वाला बीच में रखना है आप लोगों को, फिर आरईसी पे क्लिक करना है और दूसरा स्टेप में यहाँ पे वॉइस ओवर करना है सेम उसी तरह से जिस तरह से मैंने किया है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों। ये चाइनीज बच्चा इतना ज़्यादा टैलेंटेड होता है कि अपने पापा के भाई सर पे अंदर यहाँ बाल्टी डाल देता है और भाई वो जब बाहर चले जाते हैं तो ये पैसा लेके और भाई किवाड़ों के बीच में छूट जाता है। छूटने के बाद यहाँ पे भाई पीछे पीछे से निकल जाता है और वो पैसा पा जाता है और खुश हो जाता है। इस तरह से आप लोग को वॉइस ओवर देना है, ठीक है, और सेम वही प्रोसेस जो भाई मिक्सर में बोला हूँ, इसको क्या करना है 100 है 200 कर देना है और ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट पर सुन लेना है और थोड़ा सा कट करके और पीछे का जो वीडियो है थोड़ा सा माइनस कर देना है, बस इतना आप लोगों को करना है। अब आप लोग का ये जो है 90% क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज है और वो है भाई बैकग्राउंड म्यूजिक। तो उसके लिए आप लोगों को आइडियो पे क्लिक करना, नीचे जाना फोल्डर पे क्लिक करना, नीचे जाना और यहाँ पे कोई भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक मैं ऐड कर देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से करिएगा। लेकिन हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक जब ऐड करिएगा तो उसका जो साउंड उसको हमेशा स्लो ही रखिएगा, अपने जो वॉइस ओवर किया है उसके नीचे ही रहे, मतलब आपके ऊपर या आपके इक्वल पे ना चले। तो उसके लिए आप लोग को मिक्सर पे जाना है और 100 है इसको मैक्सिमम आप लोगों को 30 या 32 पे आप लोगों को कर देना, फिर इसको ऑन कर देना। अभी आपका वीडियो क्रिएट हो चुका है, मैं एक बार प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अपने पापा के पैरों में कुछ इस तरह का गैजेट बांध देता है भाई, उसकी दौड़ ना पाए। अब देखिए ये आपका वीडियो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे राइट साइड में आप लोग को हीरो का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को इस पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद रेजुलेशन की बात है तो यहाँ पे FHD 1080 पिक्सल पे रखना क्योंकि शॉर्ट वीडियो है और फ्रेम रेट 60 पे ही करिएगा, ब्राइटनेस मैक्सिमम 14 या 15 पे कर दीजिएगा जो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे है। अब आप लोगों को सेव एज वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को इस पे क्लिक कर देना, ये आपके गैलरी में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिएगा और अभी तक हमारे चैनल पे पहली बार आए अपने भाई को सपोर्ट नहीं किया तो प्लीज अपने भाई को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा बाय बाय।